हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्री सॉफ्टवेयर में। तो दोस्तों, आज की वीडियोस में मैं आप भाइयों को बताने वाला हूँ ओप्पो A3s को फ्लैश कैसे करते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई वीडियोस को कंप्लीट वॉच करना, क्योंकि ये फ्लैशिंग के ऊपर वीडियो है। देखें, फ्लैशिंग में मोबाइल हम डेड करके भी बैठ जाते हैं, तो इसलिए आपको वीडियोज कम्प्लीट देखनी होगी। ठीक है, वीडियोज में मैं एक एक लाइन करके आप भाइयों को बताऊंगा, लेकिन वीडियोज थोड़ी देख लेना। तो दोस्तों, वीडियोस में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी भाई चैनल पे न्यू आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, तो आने वाली वीडियो सबसे पहले आप भाइयों तक पहुंच सके। ठीक है, तो देखें इसको किस टूल से हम फ्लैश करेंगे और इसकी फ्लैश फाइल वगैरह, ड्राइवर वगैरह सब कुछ मैं आप भाइयों को डाउनलोड करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पीसी में इंटरनेट होना चाहिए और आपको अपने पीसी में इंटरनेट ब्राउजर कोई भी आपके पास है तो वो ओपन कर लेना है। ठीक है, ये मैं ओपन कर लेता हूँ इंटरनेट ब्राउजर। उसके बाद पहले नंबर पे मैं आपको इसकी फ्लैश फाइल जो है वो दिखा देता हूँ, इसकी रियल फ्लैश फाइल कौन सी है। ठीक है, तो अभी मैंने सर्च करके रखी हुई है, देखें ओप्पो A3s फ्लैश फाइल। ठीक है, आपको भी ऐसे टाइप कर लेना है ओप्पो A3s फ्लैश फाइल। आप इसका CPH नंबर भी टाइप करके सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हम स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाएंगे, आप देख रहे हो, मैं दिखा देता हूँ आप भाइयों को, ये आ रही है वेबसाइट इसकी। ठीक है, तो इसी वेबसाइट से हम डाउनलोड करेंगे। ये आप ऊपर देख रहे हो ओप्पो स्टॉक रूम। ठीक है, ये आप देख रहे हो, तो इसी वेबसाइट से हमें ये फाइल डाउनलोड करनी होगी। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद फिर से हम स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाएंगे, बिल्कुल नीचे चले आएंगे। अब ये आपके सामने गेट लिंक का ऑप्शन जो आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है, फौरन आपकी ये फाइल जो है ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। अब आप पहले नंबर पे ये भी देख लें, देखें ओप्पो A3s, इसका CPH नंबर जो है देख लें, आपके फ़ोन का इंशाल्लाह यही होगा CPH नंबर, देखें 1803। ठीक है, यही है इसका CPH नंबर ओप्पो A3s का। तो ये हमें फाइल डाउनलोड करनी होगी। ठीक है, पहले नंबर पे फाइल डाउनलोड करनी होगी, उसके बाद आपको, अभी मैं टूल आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ जानना है और आपको टाइप करना होगा AMT टूल। ठीक है, एंड्रॉयड मल्टी टूल, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, ये मैंने लिखा हुआ है, देखें AMT टूल। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, अब इसकी वेबसाइट ये पहले नंबर पे आ रही है। ठीक है, एंड्रॉयड मल्टी टूल की, तो इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, उसके बाद ये देख लें सपोर्ट मॉडल। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, या हम ओप्पो सेलेक्ट कर देंगे, या आपके सामने मैं कर लेता हूं। उसके बाद हम सर्च करेंगे A3s। ठीक है, ये मैंने आपके सामने सर्च किया, उसके बाद आप भैयों को दिखा देते हैं। तो ये देख लें आप ओप्पो A3s में ये 1803 और ये आ रहा है दूसरा जो मॉडल ऐड किया है इन्होंने। ठीक है, ये अभी ऐड हुआ है, ये भी मॉडल आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमें जो फ्लैश करना है वो यही मॉडल है जिसकी मैंने आपको फ्लैश फाइल दिखाई है। ठीक है, तो यहाँ से हम भेज जाएंगे। ठीक है, इसको कट नहीं करते हैं, सॉरी, आपको ये डाउनलोड करके भी दिखा देते हैं, एक बार भेज जाएंगे यहाँ से और इस टूल को डाउनलोड यहाँ से करना है। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाएंगे, बिल्कुल नीचे आएंगे। अब ये इसका वर्जन है फाइल। ठीक है, यहाँ आप क्लिक करो, फौरन ये डाउनलोड हो जाएगा एंड्रॉयड मल्टी टूल। ठीक है, तकरीबन 3 से 4 MB का फाइल है, आप इसके ऊपर क्लिक करो और आपका इंटरनेट स्लो है फिर भी जल्दी ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कट कर देंगे। ठीक है, टूल को ओपन कर लेते हैं।
दोस्तों यहाँ लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब फिर से हम ओप्पो सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, या मैं ओप्पो सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर से हम मॉडल सर्च करेंगे, ठीक है, ये रहा हमारा मॉडल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये फ्लैश का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो मेरे भाई फ्लैश आपको तब करना है, देखें बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, अगर उसके फ़ोन में F4P लॉक लगा हुआ होता है तो F4P लॉक के लिए भी वो फ्लैश करना शुरू हो जाते हैं मोबाइल को, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। देखिए आपके मोबाइल में F4P लॉक है या आपको फैक्ट्री रिसेट करना है तो देखें ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, आप देख लें फैक्ट्री रिसेट एंड F4P, उसके अलावा ये रिसेट F4P फैक्ट्री रिसेट, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। देखें आपका मोबाइल या तो ऑन नहीं होता है या तो लोगों पे खड़ा हो जाता है, ठीक है, तो आपको फ्लैश करना होगा। फ्लैश फाइल इसकी जो है वो मैंने डाउनलोड करना आप भाइयों को सिखा दिया है, तो वो आपने डाउनलोड करके डेस्कटॉप पे रखनी है। उसके बाद यहाँ देखें फ्लैश के ऊपर मैंने क्लिक किया है, उसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ फाइल के ऊपर क्लिक करना होगा, ठीक है, ये फोल्डर का ऑप्शन जो आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ लोकेशन दे दें, ठीक है, आपने देखें डेस्कटॉप पे रखी हुई है तो यहाँ डेस्कटॉप का लोकेशन दे दें, और जिस जगह पे आपकी फाइल रखी हुई है वो फाइल सिलेक्ट करके आपको यहाँ से ओपन करनी है, ठीक है। आप ओपन कर लोगे तो ये फाइल होगी तो सीधी यहाँ चली आएगी, ठीक है, फाइल आ जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका मोबाइल ऑलरेडी ऑलरेडी कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि भाई ये कॉलकम का सेट है, ठीक है, कॉलकम चिप है इसमें, तो ऑलरेडी मोबाइल कनेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आपको फ्लैश के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है, आप कॉलकम के ड्राइवर इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से हम बैक करेंगे इसको, ठीक है। उसके अलावा देखें ये फैक्ट्री रिसेट एंड F4P का ऑप्शन भी इन्होंने दे दिया है। अभी पहले हमें मोबाइल ये खोलना पड़ता था, ठीक है, UEFI बॉक्स या UMT से कनेक्ट करके हम इसको अनलॉक करते थे, लेकिन अभी ये सिंपल हो जाता है, ठीक है। अगर किसी भी भाई को समझ नहीं आती है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अभी जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कॉन्टैक्ट करके आप पूछ सकते हो ये टूल वगैरह कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे चला सकते हैं, सब कुछ मैं आप भाइयों को बताऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियोस आप भाइयों को अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।